अमजद खान साहब हैं हमारे साथ इस वक्त और फौजिया कसूरी साहब पाकिस्तान से आई हैं। अमजद साहब, आप ये बताएं कि अभी फौजिया कसूरी साहब ने और इन्होंने बहुत अच्छी मतलब काफ़ी डेफिनेट बात की कि हमारी आपकी पीटीआई जो है वो ज़रूर विन करेगी, तो यहाँ पे जो आप देख रहे थे पार्टी में कुछ मिसमैनेजमेंट चल रही थी तो आपने उसको सॉर्ट आउट कर लिया और आप ये समझ रहे हैं कि जो आपका इलेक्शन आ रहा है उसमें आप तकरीबन 100% विन करेंगे? इंशाल्लाह जी, हम पाकिस्तान में एक तो पहले तो सुनामी थी, अब सुनामा आ रहा है। इंशाल्लाह वी विल विन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान को एक चैन चाहिए। हमारी जितनी भी पाकिस्तान में बहन भाई जो भी हैं उन्हें चाहिए आंखें खोलें और पीटीआई को इमरान खान को वोट दें और पाकिस्तान में एक चैन चाहिए, क्योंकि यूके में लंदन में आपने और खालिद भाई ने काफ़ी मेहनत की है और आपने बल्कि इस पार्टी को बड़ा मुनसिब करके भी दिखाया, क्योंकि हम मीडिया देखते हैं और आपको इस चीज़ को काफ़ी आप ये कह लें कि जो आपकी इलेक्शंस में प्रॉब्लम थी उसको भी आपने संभाला, तो आप ये बता सकते थे आपने इसको किस तरीके से जो यूथ को इकट्ठा किया और बड़ा काम डाउन करके चले हैं और क्वाइट वेल डन यानी कि इस वक्त आपकी जो मैनेजमेंट चल रही है, इसके मतलब आप कुछ बता सकते हैं? जी देखें, हर पार्टी में मिसमैनेजमेंट होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हमारी पार्टी में हमने इलेक्शन करवाए, इलेक्शनों के दरमियान थोड़ा बहुत होता है, उसके हमने फिर उसके बाद सबको इकट्ठा किया और जो पार्टी जीती जो इलेक्टेड हुए हम उनके साथ हैं और हमने साथ लेके चलना है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमने वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म की और इंशाल्लाह हम एक हैं और पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। थैंक यू अमजद साहब।